प्यार जो है वो आसमान में होता है और प्रचारक जो है वो आरएसएस में होता है। तो मैं जमीन पर रहने वाला आदमी हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ और देश समाज में आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके टैक्स के पैसे से और अपनी मेहनत से जो कुछ ज्ञान हासिल किया है, जितनी अकल है, जितनी बुद्धि है, कहते हैं ना कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं होती है, ठोकर खाने से बुद्धि होती है। जीवन में जितने ठोकर खाए हैं उसी आधार पर कुछ बातें कहता हूं। और आप सब जानते हैं कि सच कड़वा होता है, सच बोलने की आदत है और जब सच बोलता हूं तो किसी को बुरा लग जाता है और इस बार तो प्रधानमंत्री को ही बुरा लग गया है। तो ये उनकी मेहरबानी है, उनकी कदरदानी है, अपना स्टार जैसा कोई काम नहीं है। हाँ, एक रिश्ता जरूर है आप लोगों के साथ। बसंत भाई, आपकी बहन कर्नल है, मेरे परिवार में हमारा 16 भाई फौज की नौकरियां करता है, 16 भाई। और मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिस परिवार में स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। और आज जब देश आजाद हो चुका है तो देश की रक्षा करते हुए सरहद पर अपनी शहादत देने वाले भी हैं। मुझे तकलीफ तब होती है कि हमारा ही एक भाई बंदूक लेकर के देश की सीमा पर रक्षा कर रहा है, दूसरा भाई नौकरियों के लिए भटक रहा है और पिताजी दिन रात खेतों में काम करने के बाद जब फसल लेकर के मंडियों में जाते हैं तो उनको उनके फसल का सही दाम नहीं मिलता है। और ये सवाल जब आप पूछिएगा तो आपके ऊपर देश विरोधी, सेना विरोधी, हिंदू विरोधी, संस्कृति विरोधी होने का आरोप लगाया जाएगा। आप सब लोग अपनी आंखों से इस बार देखे हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के वो लोग जिन्होंने देखा है किसान आंदोलन को करीब से, आज आप हमारे साथ सिर्फ एकता नहीं महसूस कर सकते हैं बल्कि वो दर्द भी महसूस कर सकते हैं जो पिछले 6 साल से हम लोग झेल रहे हैं। जो इस किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं, याद कीजिए उनको क्या नहीं कहा गया। खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, देश विरोधी, विकास विरोधी कहा गया। एक सवाल पूछना चाहिए ना सरकार से कि अगर दिल्ली की बॉर्डर पर जो लोग विरोध कर रहे थे वो गलत थे तो प्रधानमंत्री थूक करके क्यों चाटे, ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? या तो प्रधानमंत्री सही थे या हम सही हैं। अगर हम सही हैं तो फिर हमारी बाकी बातों में भी सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि इस बार विज्ञापन की सरकार बनी है साहब, विज्ञापन की। मैं चंडीगढ़ में घूम रहा था, सेक्टर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे पोस्टर लगा हुआ है, किसका? सफाई का। आप सब इस शहर के वासिंदे हैं, इस शहर में रहते हैं, आप बताइए, चंडीगढ़ देश का पहला नियोजित शहर, पहला प्लान्ड सिटी, और सालों तक स्वच्छता के मामले में, सफाई के मामले में एक नंबर पर हुआ करता था। अब मैं जब चंडीगढ़ इंटर करता हूं तो दिल्ली जैसा फील होता है, क्योंकि यहां भी कूड़ों का ढेर दिखाई देता है, यहां भी गंदगी दिखाई देती है, यहां भी ट्रैफिक पर सिग्नल पर जो है ट्रैफिक दिखाई देता है, जाम दिखाई देता है। दिल्ली में जब लोग परेशान होते थे तो कहते थे चलो चंडीगढ़ यार थोड़ा अच्छा लगेगा, हवा है, हरियाली है, कम ट्रैफिक है, सफाई है, तो लोग चंडीगढ़ आते थे। ये आपका जीवन है ना, ये आपकी सच्चाई है ना, ये आप जानते हैं कि स्वच्छता के मामले में एक नंबर पे था आपका शहर, आज 66वें नंबर पे पहुंच गया है। और पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में देश को क्या दिया? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में आपको चंडीगढ़ दिया जिसको भाजपा आज गंदगी से भर रही है। ये सवाल हमको अपने मन से पूछने की जरूरत है कि हमारे जीवन का असली मसला क्या है। असली मसला वो है जो टीवी पे हमको दिखाया जा रहा है, जो व्हाट्सएप पे हमको भेजा जा रहा है, या हम झोला लेकर के जब सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तब महसूस होता है, जब हम गाड़ी लेकर के सड़कों पे निकलते हैं हमको तब महसूस होता है, जब पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तब महसूस होता है, हमको तब महसूस होता है जब हमको अपने बच्चे को एडमिशन कराना हो, और बच्चा जब हमारा इंजीनियरिंग कर लिया है, MBA कर लिया है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, कनाडा का वीजा नहीं लग रहा है।
ये सवाल आप सोच करके देखिए। मैं बिहार से आता हूं, अगर बिहार में पढ़ाई होती, कमाई होती, दवाई होती, सफाई होती, तो बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। आप भी ये सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था हो, तो क्यों हमको बाहर दूसरे देशों में काम जाकर करने की जरूरत है, जहां हम रात को दो पैक लगा करके ये गाना सुने कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। क्या जरूरत है भाई? देश की जो हमारी हकीकत है, हमारी जो सच्चाई है, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और सच्चाई ये है जिसके चलते मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि अरे यार, लोकल बॉडी इलेक्शन में क्यों प्रचार करने के लिए जा रहे हो? तो हमने कहा कि हम हवा में उड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का ऊपर वाला, क्या कहते हैं उसको, पेंट हाउस ना, ऊपर वाला महला इसीलिए चमक रहा है कि नीचे नींव में कुछ ईंटें दबी हुई हैं। हम ये समझते हैं कि एक एक ईंट जोड़ करके घर बनता है। लोकतंत्र हर एक स्तर पे मजबूत होना चाहिए। ये जो वार्ड का चुनाव है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर हम वार्ड के चुनाव को भी सीरियसली लें, अपने सवालों को गंभीरता से समझें, तो हम सरकार को ये बता सकते हैं, किसानों से उस सीख को लेते हुए हमको ये समझा सकते हैं कि जब सरकार बेकाबू हो जाए, जब सरकार बैल के रूप में व्यवहार करना पड़े, तो उसके भी गर्दन में लगाम लगाना जरूरी होता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आप जो वोटर हैं, आपका जो वोट है वो सर्वोपरि है। अगर आप वोट दे करके इनको छोटे से लेकर के बड़े चुनाव तक हराना शुरू कर दीजिए, मैं आपको गारंटी लेता हूं, मैं आपको वादा करता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए गया था, इनको जीव ही हार का झटका लगा, आपके पॉकेट को आराम मिलना शुरू हो गया था। आपको अपने हक और अधिकार के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली, पानी के लिए, आपके बीच में जो आपके बच्चों की तरह रहता है, आपके सुख दुख में खड़ा होता है, उसको अपना आशीर्वाद देना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। और मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पूरे स्वाभिमान से कहता हूं कि जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, वही पार्टी इस देश की आजादी को बचा सकती है। जो पार्टी चंडीगढ़ बनाई है, वही पार्टी चंडीगढ़ को सजा सकती है, संवार सकती है, उसके गौरव को वापस दिला सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा, हमारे भाई हमारे साथी को मिलेगा, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।